नमस्कार मित्रों, इयत्ता 12वी इकॉनॉमिक्स या विषयाच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। तुम्ही सर्वजण चांगले आणि ठीक असाल। अशा अपेक्षा व्यक्त करतो। बिफोर starting this video lecture, I just revised what we studied in previous video lectures. We studied what is meant by demand, what is meant by individual demand, what is meant by market demand, what is meant by individual demand schedule, what is meant by market demand schedule. And why demand curve slopes downward from left to right. So from this video lecture or in this video lecture, we covered types of demand. For a quick revision, I just revise here the meaning of demand. Demand means desire plus ability and willingness to pay for the commodity, means demand. So the first type of demand, that is direct demand. Then what is meant by direct demand? It is the demand by consumer which satisfy human wants directly. Or the goods which serve or used for consumption purpose to satisfy the needs of the consumer known as direct demand. For example, sugar, clothes, demand for clothes is a direct demand because both commodities satisfy human wants directly. तो direct demand क्या है भाई? तो direct demand ये है कि अगर आप जो भी चीजें चाहते हैं, जो भी चीजें अपने daily life में use करते हैं, उसके लिए जो आपकी डिमांड रहती है, फिर वो स्टैपल पिन से लेकर क्लोथ तक और जो भी चीजें आप अपने खाने में यूज करते हैं, वेजिटेबल्स हो, ग्रोसरी हो, सो ऑल दिस थिंग्स, demand for all these commodities which satisfy your wants directly. ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसी सभी commodities जो आपकी need directly satisfy करती है, वो सारी चीजों को direct demand पूरी करने वाली चीजें या commodities कहा जाता है. So ऐसे सभी वस्तुओं को direct demand कहते हैं. So direct demand means the demand by consumer for satisfying their wants directly, to satisfy their wants directly, known as direct demand. यहाँ पर this picture shows
द डिमांड ऑफ कंज्यूमर. ओके, ऑल द कमोडिटीज शोइंग इन दिस पिक्चर, ऑल द कमोडिटीज शोइंग इन दिस पर्टिकुलर, दैट इज फर्स्ट पिक्चर, ऑल दिस कमोडिटीज शोइंग इन दिस फर्स्ट पिक्चर एंड डिमांड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर दिस कमोडिटीज इज डायरेक्ट डिमांड, बिकॉज ऑल दिस गुड्स दे यूज मीन्स द कंज्यूमर यूज फॉर टू सेटिस्फाई देयर ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड. तो इनडायरेक्ट डिमांड और डायरेक्ट डिमांड में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट डिमांड में ऐसी चीजें बाय की जाती है जो कंज्यूमर की वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई की जाती है. तो पर इनडायरेक्ट डिमांड कौन करता है? जो फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरर है, उनकी जो डिमांड होती है वो इनडायरेक्ट डिमांड होती है. अगर शुगर फैक्ट्री में शुगर तैयार करने के लिए जो शुगर केन का डिमांड होगी तो उसे इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं. और एक अगर किसी कंज्यूमर ने डायरेक्टली शुगर की डिमांड की किसी भी शॉप में जाकर तो उसे डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डिमांड का क्या मीनिंग बताया मैंने आपको. डायरेक्ट डिमांड में ऐसी डिमांड है जो कि कंज्यूमर की वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, उसे डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है. बट इनडायरेक्ट डिमांड मीन्स द डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड. इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. इट मीन्स द डिमांड विच आर नीडेड. It refers to demand for goods which are needed for further production. Further production के लिए, for example, जैसे मैंने आपको एक example दिया था कि अगर sugar cane की demand की जाती है factory में तो उससे क्या बनता है? तो sugar बनता है. तो sugar cane की जो demand की जाती है उस पर process करके हम sugar बनाते हैं. तो वो जो demand है, sugar cane की जो demand है, उसे कहते हैं indirect demand. क्योंकि उस समय हम प्रोसेस करते हैं और फिर उसे शुगर बन जाती है. और अगर किसी कंज्यूमर ने डायरेक्टली शुगर की डिमांड की हो तो उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं. सो इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड. दिस सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट एज पर एज अवर HSC एग्जाम इज कंसर्न, बिकॉज मेनी टाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. देखिए अब 11th में पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से है. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो डिमांड फॉर लैंड, डिमांड फॉर कैपिटल, डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर, दीज आर डिमांड फॉर ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन is indirect demand. For example, land. अगर हमें फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए. तो फिर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड की जो डिमांड होगी वो कैसे होगी? इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि लैंड से हम तो डायरेक्ट कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि लैंड से तो हमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिल सकता. तो लैंड से फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड की जो डिमांड है उसे क्या कहते हैं? तो इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड. सो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स डिमांड. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर्स डिमांड? बिकॉज प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? तो प्रोड्यूसर्स डिमांड करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं जिस पर वो प्रोसेस करते हैं और फाइनल और फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं. तो फिनिश्ड गुड्स तैयार करने के पहले की जो डिमांड की जाती है वो कौन करता है? तो प्रोड्यूसर की जाती है. प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल अगेन शुगर केन एंड शुगर. शुगर केन के लिए जो प्रोड्यूसर शुगर फैक्ट्री में जो
डिमांड होगी वो कैसे होगी, इनडायरेक्ट होगी। और उससे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने वाला है जैसे कि शुगर, तो उसकी जो डिमांड है वो कैसे है, डायरेक्ट डिमांड होगी। शुगर की डिमांड डायरेक्ट है, शुगर केन की डिमांड इनडायरेक्ट है। सो प्रोड्यूसर्स डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स डिमांड। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड। दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर वर्कर्स इन शुगर फैक्ट्री इज डिराइव डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड। डिमांड फॉर वर्कर्स इन शुगर फैक्ट्री इज इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट टाइप है डिमांड का, ज्वाइंट डिमांड। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड ज्वाइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, इट इज नोन एज अ ज्वाइंट डिमांड। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड ज्वाइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, इट इज नोन एज अ ज्वाइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ज्वाइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल तो व्हाट इज द रिलेशन, हाउ द डिमांड फॉर कार, when you demand for car automatically there is a demand for petrol or fuel or diesel, means this demand is joint demand. Instead of only you demand car, then it is not possible to run car without petrol, without fuel, without diesel. So at that time is known as a joint demand. Okay, one commodity when two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint demand or complementary demand. For example, car and fuel. Next example hai composite demand. कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका एक चीज़ होने के बावजूद भी हम उसके डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी से हम फैन चला सकते हैं, आयरन चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, टेलीविज़न चला सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी is used for several purposes to satisfy several electricity is used for several purposes. So electricity ki jo demand hai usse kya kehte hai, composite demand. The demand for commodity which can be put to several uses is known as a composite demand. Koi bhi aisi ek cheez hai uske bahut sare upyog hai, bahut sare uses hai, तो उसे जो कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कंपोजिट डिमांड, और उसे कहा जाता है कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस पिक्चर शोज, ओके, लैपटॉप, टेलीफोन, आयरन। सो दीज कमोडिटी, दीज ऑल थिंग्स रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी the functioning of all these things is not possible. Without electricity, the functioning of all these things is not possible. So if any commodity is used for several purposes,
then it is called as composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as light, fan, washing machine, etc. किसी भी एक चीज को अगर सेवरल पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है, किसी भी एक चीज को अगर सेवरल पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है तो उसकी जो डिमांड होगी उसे कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। It is a demand for those goods which are substitute for each other. Substitute. For example, tea or coffee, sugar or jaggery. So, फिर tea और coffee में क्या होगा? अगर tea की prices बढ़ जाती है, तो automatically demand for coffee बढ़ जाती है, because one of the rule of demand and price is inverse relationship between demand and price. Inverse relationship between demand and price. It is a demand for those goods which are substitute for each other. For example, tea or coffee, sugar or jaggery, etc. Competitive demand. It is a demand for those goods which are a substitute for each other. Okay, demand of those goods which are substitute for each other. For example, tea or coffee, sugar or jaggery. अगर sugar की prices बढ़ जाते हैं, तो फिर jaggery के लिए demand बढ़ जाता है. तो ये क्या है? Tea को substitute coffee है. शुगर को सब्स्टिट्यूट जागरी है। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स में भी ये बात हो सकती है। पेप्सी और कोक, अगर पेप्सी की प्राइसेस बढ़ जाती है तो कोक के लिए डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज दीज बोथ आर कोल्ड ड्रिंक्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। सो इट इज नोन एज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड। सब्स्टिट्यूट होने की वजह से अगर एक चीज की वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो सब्स्टिट्यूट होगा उसके लिए डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। द नेक्स्ट लेक्चर, इफ यू हैव द नेक्स्ट लेक्चर ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इफ यू हैव एनी डाउट इन टाइप्स ऑफ डिमांड, then please call me or WhatsApp me your doubts, your queries. Thanks for watching. If you find this video is useful to you, then please subscribe my channel Sridesh 999.